सकल भट्ट, आप सभी का विज्ञान भवन के सभागार में स्वागत करते हैं। 2014 में देश के प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री का दायित्व संभालने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को 9 वर्ष का समय आज पूरा हो गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान में इस कालखंड को इसलिए कहा जा रहा है, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल। और इन 9 वर्षों में देश में जहां सुशासन से विकास की नई इबारत लिखी गई है, तो वहीं जन जन के कल्याण को भी साकार किया गया है। और इसी थीम पर आधारित है हमारा आज का ये नेशनल कॉन्क्लेव, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के सम्मान के साथ होगी और इस सिलसिले में मैं आमंत्रित करना चाहती हूं प्रसार भारती के सीईओ श्री गौरव द्विवेदी जी को। आप इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का ट्राइबल आर्ट के एक प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे मेहमानों के स्वागत के सिलसिले के लिए। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी जी इस वक्त हमारे मुख्य अतिथि जी का सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां फिर से। इट्स अ ट्राइबल आर्ट पेंटिंग। और अब सीओ महोदय से हम पुनः निवेदन करते हैं कि कृपया वो सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का ट्राइबल आर्ट का प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत और सम्मान करें। Put your hands together, ladies and gentlemen, as we welcome our honorable Minister of Information and Broadcasting. सीओ महोदय से फिर से निवेदन है, आप सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी का ट्राइबल आर्ट का प्रतीक चिन्ह देकर उनका भी स्वागत करें। जोरदार तालियां। गौरव द्विवेदी जी से एक बार फिर से अनुरोध है कि वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्र जी का ट्राइबल आर्ट का प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत और सम्मान करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, सभागार बहुत भरा हुआ है, आपकी तालियों की आवाज बाहर तक जानी चाहिए। टू मेक दिस मॉर्निंग ऑल द मोर स्पेशल, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्र जी को। आप इस नेशनल कॉन्क्लेव के मौके पर उद्घाटन संबोधन दें। सर, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन रेलवेज एंड मेटी श्री अश्विनी वैष्णव जी, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी एंड मिनिस्टर स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग श्री मुरुगन जी। द थ्री ऑफ यू हैव बीन गाइडिंग our country in these times and taking us now to the 9 years under the leadership of Prime Minister Modi ji. I would also like to welcome several industry leaders, sportspersons, actors, entrepreneurs, startups, economists and a wide gamut of the people here who have come to celebrate 9 years of government of Seva, Sushasan and Garib Kalyan. The government has, we have travelled a lot in these 9 years. The economy, which was the 10th in 2014, is now 5th and on way to be the 3rd in the next 3 to 4 years. Never before there has been such a focus on infrastructure, whether it is roads, railways, telecom, airports, in every field there has been a tremendous progress in the 9 years. Corruption and leakage, which was a talk previously and commonly said that not more than 15% reaches the poor, now with the emphasis on direct benefit transfer, there is no leakage. One can say with surety that there is no leakage, and from my own experience when I was in Ministry of Petroleum, LPG and kerosene, they were some of the most, they were the sectors where so much of leakage used to take place in subsidy, and now almost nothing ever leaks and everything is reaching to the customer directly. Inclusivity, Sabka Saath, that also is a motto of the government. And the main thing which I would like to emphasize is ki hamare desh mein har ek ko ye vishwas hai ki desh hamara tarakki kar raha hai, karta rahega, aur hum sahi raste pe hain aur aage badhte rahenge. Aaj ke is conclave mein main aap sabka swagat karta hoon. Dhanyawad. Thank you very much, sir. बीते 9 वर्षों ने कैसे सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मोर्चे पर वो बदलाव करके दिखाए हैं जिसकी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। आइए अब देखते हैं जन कल्याण के इन्हीं प्रयासों पर आधारित एक फिल्म।
2014 केंद्र की सत्ता में एक बदलाव आया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्पष्ट नीति, साफ नियत अमल में आई। देश का सामर्थ्य बढ़ाने और लोगों को सशक्त करने का काम तेजी से शुरू हुआ। स्पीड और स्केल दोनों पर जोर दिया गया। 2014 के 350 स्टार्टअप के मुकाबले 2023 में 1,00,000 स्टार्टअप के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2 गुना सुधार हुआ है। इन 9 सालों में देश ने 81वें स्थान से 40वें स्थान तक की छलांग लगाई है। 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी, वहीं अब दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। बीते 9 साल में देश ने भविष्य की जरूरतों की एक मजबूत बुनियाद खड़ी की है। ग्रामीण क्षेत्र का सड़क नेटवर्क भी 3,86,000 किलोमीटर के मुकाबले बढ़कर अब 7,35,000 किलोमीटर का हो चुका है। वहीं 12 करोड़ घरों को नल से जल मिला है। 1,98,000 ग्राम पंचायतों तक भारत नेट के तहत ब्रॉडबैंड का इंफ्रा बना है। 18,000 गांवों का विद्युतीकरण हुआ है। 11 करोड़ से ज्यादा पक्के शौचालय बने। 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्का घर। उज्ज्वला से 9,60,00,000 गैस कनेक्शन और 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड से इलाज मिला। जन औषधि केंद्र की किफायती दवाइयों से आम लोगों को 9 साल के दौरान 18,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। अब सरकार सबके लिए काम करने की भावना के साथ टाइम और रिसोर्सेज का एफिशिएंटली उपयोग कर रही है। आज की सरकार का ध्येय है नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। आज की सरकार की प्राथमिकता है वंचितों को वरीयता। मुद्रा के तहत 23,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ऋण दिया गया। किसान सम्मान निधि ने 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की सहायता प्रदान की है। जनधन के 48 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते। डिजिटल इंफ्रा ने आम लोगों को ताकत दी है और डिजिटल लेन देन में भारत दुनिया में अव्वल है। विश्व का 46% UPI ट्रांजेक्शन भारत में हो रहा है। अभूतपूर्व बदलाव के दौर ने देश की तस्वीर बदल दी है। 2014 तक जहां देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट ही थे, लेकिन सिर्फ 9 साल में ही ये 2 गुने हो चुके हैं और अब देश में 148 एयरपोर्ट हैं। रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास भी हवाई अड्डों के तर्ज पर। 17 वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन का शुभारंभ। मेट्रो रेल नेटवर्क 5 शहरों में 248 किलोमीटर से बढ़कर 20 शहरों में 860 किलोमीटर का हो चुका है। 9 साल के अंदर देश ने रिकॉर्ड 7 वर्षों में आम जनता की सुविधा और देश की प्रगति सुनिश्चित की है। A huge round of applause for the story of Modi government and good governance, how that has moved from strength to strength. Zordar taliya un tamam prayason ke liye jo bite 9 varshon mein Bharat ki vikas yatra ko aage badhane mein meel ka patthar sabit hue hain. Aur ab main aamantrit karna chahta hu kendriya suchna evam prasaran yuva karyakram evam khel mantri shri Anurag Singh Thakur ji ko ki kripya wo aaye aur hame is mauke par sambodhit kare. Maninye Anurag Singh Thakur ji, zordar taliya. नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के माननीय रेल टेलीकॉम एवं मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदरणीय भाई अश्विनी वैष्णव जी, सूचना प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर एल मुरगन जी,
सूचना प्रसारण विभाग के सचिव श्री अपूर्व चंद्र जी, प्रसार भारती के सीईओ श्री गौरव जी, उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, सभी अधिकारीगण, सभी साहित्यकार, लेखक, विभिन्न क्षेत्रों में भारत के लिए मान सम्मान दिलाने वाले ऐसे मेरे सभी भाई और बहनों और यहाँ पर उपस्थित मेरे युवा, किसी भी सरकार के लिए जब सत्ता मिलती है तो कुछ ना कुछ कर दिखाने का एक अवसर होता है, और 9 वर्षों के बाद मैं कह सकता हूं, मैं तो एक गांव से आने वाला हूं, बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ, उसके बाद शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी अपने गांव से बहुत दूर जाना पड़ा, लेकिन जब मैं गांव की ओर देखता हूं तो मुझे आज से लगभग 10-11 साल पहले का किस्सा याद आता है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में, बारिश का मौसम था तो कहीं पहाड़ों में जो लैंडस्लाइड होती उसके कारण रास्ता रुका, एक गांव में हम लोग रुके, तो 2-3 घर ही थे और बिल्कुल कच्चे, बिल्कुल जैसे झोंपड़ी टाइप वैसे बने हुए थे। वो स्थिति में भी नहीं थे कि किसी को चाय पिला सके, क्योंकि जो चूल्हा था ना, लकड़ी भी गीली और बाकी सब कुछ भी मिट्टी से बना हुआ, चूल्हा भी गीला हो गया था। थोड़ी देर में देखा बारिश में भीगती उनकी बेटी भागती आई, सिर पे लकड़ी उठा रखी थी तो एक ने पानी की गड़वी उठा रखी थी। मन ही मन में लगा कि मुझे तो अपने घर से दूर जाना पड़ा पढ़ने के लिए, लेकिन इनके लिए तो जीवन और भी कष्टदायक है। शायद 2012-13 का वो किस्सा मैंने भी कभी सोचा ना था कि भारत में इतना बड़ा बदलाव आएगा कि आम जनमानस के जीवन में बदल जाएगा। अभी कोविड के समय जब मुझे उस क्षेत्र में वापस जाने का अवसर मिला, कुछ कार्यक्रम हमने किए, तो मैंने कहा मैं उस साल यहाँ पर आया था तो यहाँ तो कच्चे मकान थे, वो कहाँ चले गए। तो बेटी भी 10 साल के बाद बहुत बड़ी हो गई थी, स्कूल की बजाय कॉलेज जा रही थी, वहाँ झोंपड़ी नहीं थी, वहाँ एक पक्का मकान था, घर पे नल का कनेक्शन था, एलईडी के बल्ब जगमगा रहे थे और कहीं ना कहीं उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, उस पर चाय का तैयारी भी हो रही थी। जो सोचा ना था वो पिछले 9 वर्षों में बदला है, और सही मायने में और ये सोचा ना था मेरे शब्द नहीं है। जब मैं उस परिवार के साथ बैठा तब उस बेटी के पिता ने कहा कि साहब कभी सोचा ना था, क्योंकि उस समय पक्के मकान के लिए पैसे लेने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती थी, और जितने मिलते थे उससे बनी बनाई छत भी चले जाती थी, नहीं बन भी नहीं पाती थी। समय कैसे बदला, आपके एक वोट के कारण, एक मजबूत सरकार के कारण, और आज हम कह सकते हैं कि अगर 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्का मकान देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। हमें 3 घंटे भी इस हॉल में रुकना पड़े और बाहर शौचालय ना हो तो जीवन ऐसे लगेगा बर्बाद हो गया है, लेकिन जिन्होंने वर्षों तक शौचालय देखा ही नहीं था और पानी लाने के लिए जिनका जीवन बीत जाता था, और ये गरीब के शब्द हैं जी, कि हमारा तो जीवन ही बदल गया, क्योंकि समय तो लकड़ी ढोने में, पानी ले जाने में, इसी में चला जाता था, और सड़क नहीं थी तो कई किलोमीटर पैदल चल के बस पकड़ने जाना पड़ता था। जो सोचा ना था वह 9 वर्षों में पूरा होने का काम हुआ है, और शायद आपने भी कभी सोचा ना था कि 2013-14 से पहले जो लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला देश में था, वो 9 वर्षों के बाद फ्रेजाइल 5 नहीं, फर्स्ट 5 इकोनॉमीज में आकर खड़ी हो गई है। मित्रों यही नहीं, पूर्व की सरकारों में
योजनाएं कुछ लोगों तक आकर अंत हो जाती थी, लेकिन अब हमारी सरकार में अंत्योदय के महान लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है। पंक्ति के अंत में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने का कार्य किया जा रहा है, और यही कारण है जब दुनिया भर की एजेंसी की रिपोर्ट आती है और उसमें यह लिखकर आता है कि पिछले 9 वर्षों में मोदी जी की सरकार में 27% गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम हुआ है, तो हम सबके लिए एक बड़ी उपलब्धि की बात है। किसी भी गरीब के जीवन में बदलाव लाने के लिए सेवा भाव होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, सुशासन होना चाहिए, और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी अपने सिस्टम का हिस्सा बनाकर आज हमने वो करके दिखाया है, लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करके दिखाई, और उसके परिणाम ही ये कहते हैं कि लोगों का जीवन आसान हुआ है। मित्रों, ये केवल आंकड़े नहीं, जब आप गरीबों के बीच में जाएंगे, किसी गांव में जाएंगे या दिल्ली के किसी क्षेत्र में, इसी देश की राजधानी में दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा टैंकरों से पानी अभी भी पिछले साल तक दिया जाता था। रमेश भदौड़ी जी कहते हैं आज भी दिल्ली की सरकार के जगह टैंकरों से ही पानी दे रही है, लेकिन सोचिए अभी मैं पीछे लेह लद्दाख होकर आया, 17,000 फीट की हाइट पर भी मोदी जी की सरकार ने नल से जल देने का काम वहां तक भी पूरा कर दिया है। ये सेवा भाव भी है, सुशासन भी है, जो गरीबों के कल्याण के काम आया है। सही सोच के कारण लास्ट माइल डिलीवरी हो पाई है। आज मैं पहली पंक्ति की ओर देख रहा हूं तो ऐसे चेहरे देखने को मिलते हैं। निखिल जरीन हमारे सबके बीच में बैठी हैं, जो एक बार की नहीं, इतनी कम उम्र में दूसरी बार बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन भारत में, और उनके साथ ही संगीता रेड्डी जी बनी है, जो बड़ी एंटरप्रेन्योर भी हैं, फिक्की की चेयरपर्सन भी रही हैं। और मैं इस तरफ आऊं तो ऐसे युवा चेहरे देखने को मिलते हैं जिन्होंने आईएएस की परीक्षा में पहला स्थान इशिता किशोर जी ने, तो दूसरा स्थान गरिमा लोहिया जी ने, जहां चौथा स्थान स्मृति मिश्रा जी ने, तो वहीं पर अभिनव जी से लेकर लघिमा तिवारी जी, अनिरुद्ध यादव जी, अविनाश कुमार जी, ये सब टॉपर्स हम सब के बीच में यहां पर आए, जो आईएएस के हमारे भविष्य के अधिकारी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा उधर जाऊंगा तो बड़े पर्दे पर जो आपका मनोरंजन ही नहीं, बहुत ऐसे किरदार करते हुए आपको छू जाते हैं, ऐसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिनकी धूम पूरे देश और दुनिया भर में होती, वो भी सकते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे फोन पकड़ के बैठे होंगे जिनके घर पे पहले बीटल का फोन होता था, वो भारती का नेटवर्क आज देश और दुनिया के कई हिस्सों में पहुंचा। सुनील मित्तल जी भी आप आए हैं, तो वहीं पर इकोनॉमिस्ट, ऑथर और कॉलमनिस्ट सुरजीत भल्ला जी जैसे बहुत सारे लोगों ने आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन एक बार इन सबके लिए जोरदार तालियों जिन्होंने भारत के लिए। मित्रों, यहां से थोड़ी दूरी पर अगर आप जाओगे, आज मौसम भी बहुत सुहाना है, तो जरा जो कभी राजपथ कहलाया जाता था वो अब कर्तव्य पथ में बदल चुका है। जो कभी किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगती थी, आज नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा वहां पर लगी है। ये सोच ही नहीं, देश को बदलने का काम भी किया है। उससे थोड़ी दूरी पर जाएंगे तो आज तो जाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन के बाद मदर ऑफ डेमोक्रेसी में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, नया संसद भवन भी देश को देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले हैं। अब वो बात अलग है, कुछ लोगों का संसद आने पे रोक लग गई तो कभी वो वहां पर सदन ना चलाने के बहाने ढूंढते थे, आज वो बहिष्कार करते हैं तो वहीं पर अपमानित करने का काम भी करते हैं। मित्रों, मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को कहा था कि आज के युवा पीढ़ी को इस देश के निर्माण में अहम भूमिका निभानी है, और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि कोविड के समय भी हमारे युवा रुके नहीं। आज दुनिया की सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स में देखा जाए तो वी आर द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। लगभग 1,00,000 स्टार्टअप्स हमारे देश में हो चुकी हैं, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न
भारत के युवाओं के दम पर आज बनी है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। खेलों के क्षेत्र में हम कहीं नज़र नहीं आते थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा खेलोगे तो खेलोगे। आज खेलों के क्षेत्र में ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल हमने टोक्यो ओलंपिक्स में जीते पिछली बार भारत ने आज तक, और पैरालंपिक्स और डेफ ओलंपिक्स में हमने केवल शब्द को नहीं बदला है। आप कभी डिसेबल्ड कहते थे, हमने स्पेशली एबल्ड, केवल ये शब्द का बदलाव नहीं हुआ, विकलांग से केवल दिव्यांग का बदलाव नहीं, सोच के साथ साथ सुविधाओं में परिवर्तन भी किया है, तब जाकर हमारे स्पेशल ओलंपिक्स में भी आज तक के सबसे ज्यादा मेडल 19 और डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल जीतने का काम भी हुआ है। भाई और बहनों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज हमने अश्विनी वैष्णव जी को सुनना है, और मैं बहुत ज्यादा विषयों पर आज बात भी नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप सबके सामने वो बात रखें, लेकिन मैं पहाड़ी राज्य से आता हूं और दूसरे पहाड़ी राज्यों की बात ना करूं, जिनकी और पूर्व की सरकारों की लुक ईस्ट की पॉलिसी थी, मोदी जी ने एक्ट ईस्ट की पॉलिसी के साथ काम किया है। आज पूर्वोत्तर के लगभग हर राज्य में अपना एयरपोर्ट बन चुका है, रेल कनेक्टिविटी बनने का काम शुरू हो गया है, और यही नहीं, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ साथ निवेश का काम भी वहां पर हो रहा है। और मेरा पूर्वोत्तर जो सुंदर सो पहले से ही था, वहां पर शांत उसको करने के काम में भी बहुत सारे पीस डायलॉग को आगे बढ़ाने का काम हुआ है, और उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने हथियार डालने का काम किया है। तो वहां नॉर्थ ईस्ट से लेकर जम्मू कश्मीर, जो भारत का सिरमौर है, उस पर एक ऐसा ग्रहण की तरह 370 लगा था। नेहरू जी देकर तो चले गए, लेकिन मोदी जी का इंतजार करना पड़ा। धारा 370 के लिए भी सदा सदा के लिए मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। अब पिछली बार अगर आपको याद होगा 15 अगस्त पे हमने कहा था हर घर तिरंगा लहरा दो, और हर घर तिरंगे में जम्मू कश्मीर की गली गली में भी तिरंगा लहराया था। लेकिन मित्रों, आज खुशी इस बात की होती है, जब माँ गंगा की आरती करने के बाद मोदी जी देश को चलाने का प्रण लेते हैं, सेवा में लगते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में, तो जब यूक्रेन में हमारे युवा फंस जाते हैं तो ऑपरेशन गंगा चलाकर 23,000 युवाओं को सुरक्षित बम बंदूकों और गोलियों के बीच में से निकालकर हिंदुस्तान वापस लाते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, देयर आर मेनी सर्वेस विच सेज मोदी जी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, he is the strongest leader in the world, and our strongest leader has made our tiranga the strongest flag in the world. modi ji keval duniya ke sabse lokpriya neta hi nahi, log kehte sabse sashakt neta bhi hain, aur modi ji ne hamare tirange ko duniya ka sabse sashakt jhanda banane ka kaam bhi kiya hai, aur ye main nahi kehta, ye wo log kehte hain जो केवल भारत नहीं दुनिया के अलग अलग देशों से हाथ में तिरंगा पकड़कर यूक्रेन की धरती से सुरक्षित निकलने के लिए कहते थे, मैं भी भारतीय हूं, मेरे पास भारतीय तिरंगा झंडा है। अभी पिछले 6 दिनों में कुछ और अनुभूति तो नहीं हुई आप लोगों को? 6 दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा, लगभग 2 दर्जन देशों के लोगों से, हेड ऑफ स्टेट से मिलने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 50 से ज्यादा मीटिंग्स की, साहित्यकार से लेकर उद्योगपतियों से लेकर खिलाड़ियों से लेकर फिल्म वालों से लेकर बाकी सब से। यही नहीं किया मित्रों, कहीं किसी देश का प्रधानमंत्री झुककर प्रधानमंत्री जी को गले लगाकर उनका अभिनंदन स्वागत करता है, तो कोई उठकर उनको अपने गले लगाने का काम करता है, तो कोई कहता है मोदी इज द बॉस। बॉस किसको कहा? मोदी जी को। तो मोदी जी का सम्मान नहीं, ये 130 करोड़ भारतीयों का सम्मान आज पूरी दुनिया कर रही है, और इसको निरंतर जारी करना है, इसको निरंतर जारी रखना है। मित्रों, कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी है और स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी है, और आपने 2014 से लेकर 2023 तक एक स्थिर सरकार को चुना है और निरंतर विकास को जारी रखा है, और ये स्थिरता और निरंतरता ही हमारे देश को आगे लेकर जा रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है
जो 9 वर्षों में हमने करके दिखाया है, हम इसको आगे भी जारी रखेंगे। आपका आशीर्वाद भी आगे हम सब पर बना रहेगा और मोदी जी के नेतृत्व में हम इस देश को और आगे बढ़ाते जाएंगे। आपको लगता है कि देश आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, तो बोले भारत माता की जय। इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह ठाकुर जी आपका। आपने जिस बात का जिक्र किया कभी सोचा ना था, लेकिन अब वो संभव है और शायद इसीलिए भारत में ईज ऑफ लिविंग, हर एक व्यक्ति की जिंदगी को आसान बनाने के जो काम हुए हैं, अब वो जमीन पे नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री महोदय जी। बिल्कुल आरेंद्र, स्वच्छता मिशन हो या फिर उज्ज्वला, जल जीवन मिशन हो या फिर पीएम आवास योजना, किसानों के कल्याण के कार्यक्रम हो या फिर गरीबों के हक का प्रयास, बीते 9 वर्षों में हम सभी की जिंदगी में एक नई बेहतरी आई है। और आज इस मौके पर 9 वर्षों के इस सफर को समेटे हुए एक पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है। मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अश्विनी वैष्णव जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वो इस मौके पर विशेष पुस्तक का विमोचन करें, और मंच पर मौजूद तमाम अन्य अतिथियों से भी निवेदन है कि कृपया मुख्य अतिथि जी का वो ज्वाइन करें और इस किताब का विमोचन करें। जोरदार तालियां, क्योंकि ये किताब बेहद महत्वपूर्ण, 9 साल के सफर को समेटे हुए तमाम योजनाएं जिन्होंने आम व्यक्ति की जिंदगी को आसान बनाया है, ईज ऑफ लिविंग को लेकर, और कैसे भारत ने विकास की यात्रा की एक नई इबारत लिखी है, वो सारी तमाम प्रयास, 9 साल का सफर इस किताब में संकलित है। और इस किताब का विमोचन आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, अन्य मेहमानों के द्वारा। जोरदार तालियां एक बार फिर से। थैंक यू वेरी मच सर। और अब वो समय आ गया है जिसका हम सभी को था इंतजार, आज के इस नेशनल कॉन्क्लेव के मुख्य अतिथि श्री अश्विनी वैष्णव जी को सुनने का। तो मैं बहुत ही आदर से आमंत्रित करना चाहती हूं अश्विनी वैष्णव जी को, आप हम सभी को इस मौके पर संबोधित करें सर। थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट यूज करेंगे, भाषण के बजाय एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके सामने रखेंगे। रेडी, रेडी टू रोल? चलो गुड। पीछे काफी नौजवान बैठे हैं, मैं आप सबको थोड़ा सा टाइम मशीन में 10 साल पीछे ले जाना चाहूंगा। याद करो, हिंदुस्तान में कोई भी बात होती थी 10 साल पहले, उसके साथ एक शब्द जुड़ जाता था, स्कैम। कुछ भी हो, कॉमनवेल्थ हो, स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हो, कुछ भी चीज हो, उसके साथ एक ऐसी व्यवस्था बन गई थी जिसमें देश में, दुनिया में लोगों को अपना सर नीचा करके चलना पड़ता था, शर्म के मारे झुकना पड़ता था। जो इकोनॉमी देश को अटल जी ने 2004 में दी, उस इकोनॉमी को एकदम जर्जर करके रख दिया था 2014 तक। ऐसी परिस्थितियां बन गई, सिचुएशन ऐसी बन गई कि जो देश गौरव से ऊपर उठ रहा था, जो देश मजबूती से आगे जा रहा था, वो देश फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में आ गया। साथियों, ऐसी परिस्थितियों में इस देश की कमान संभाली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में। एक नया थॉट प्रोसेस लेके आए, सोच में परिवर्तन हुआ, देश का विजन चेंज हुआ, देश में काम करने का तरीका बदला। जो 60 वर्षों तक देश में गरीबों को केवल एक वोट बैंक की तरह माना जाता था, गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, कई सारे स्कीम्स बनाए जाते थे, कुछ कुछ तो ऐसी स्कीमें थी IRDP जिसमें लोग बोलते थे कि इतना रुपया तो डुबोना पड़ेगा, ऐसी परिस्थितियां थी, उन सब में परिवर्तन लाया गया। गरीबों का एम्पावरमेंट, गरीबों को लाइफ में, गरीबों की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, एक क्वालिटेटिव चेंज, एक परमानेंट चेंज, इस तरह के प्रोग्राम लाए, इस तरह के कार्यक्रम और उन सब की डिलीवरी।
ग्रास रूट्स पे उनकी डिलीवरी, ये बहुत बड़ा चेंज आया थॉट प्रोसेस में, ये बहुत बड़ा चेंज आया डिलीवरी में। बड़ी से बड़ी आपदा भी आई उसके ऊपर मोदी जी ने एक फिलॉसफी से काम किया, पाई पाई से गरीब की भलाई, पाई पाई से गरीब की भलाई, एक एक विषय पे, एक एक पॉइंट पे सबसे पहले ध्यान रखा गरीबों का। मैं आपके सामने कई एग्जांपल्स रखूंगा। वैक्सीनेशन की बात है, आप याद करो जब चाइना से वायरस की न्यूज आने लगी, सबसे पहला काम किया मोदी जी ने, टास्क फोर्स बनाई कि देखो पुरानी जितनी भी वैक्सीन्स थी, बीसीजी की हो या कोई भी हो, 40-40, 50-50 साल लग जाते थे हिंदुस्तान में आते आते, वैसी परिस्थितियां इस बार नहीं बननी चाहिए, वैक्सीन लोगों को मिलेगी और वो भी हिंदुस्तान में बनी हुई स्वदेशी वैक्सीन मिलेगी, तैयारी हुई, देश तैयार हुआ, साथ लोग जुटे, जुट के काम किया और पूरे दुनिया में चर्चित आज 220 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम। जो साथी है, आप इस नंबर का अंदाजा लगाओ, 220 करोड़ का मतलब यूएस की पॉपुलेशन, यूरोप की पॉपुलेशन, जापान की पॉपुलेशन, इन तीनों को ऐड कर दो, उसके बाद में 200 मल्टीप्लाई करो, उसको डबल करो, तब जाके ये नंबर आता है। मैसिव वर्क। किसी भी पॉइंट पे आप देखो, गरीबों की जिंदगी में जो एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आता है, सबसे पहले आता है अपने घर से। हर व्यक्ति का, हर परिवार का, हर माँ का, हर पिता का एक सपना होता है अपना एक घर हो। जैसा भाई अनुराग जी ठाकुर अभी बता रहे थे, एक समय था जब घर लेने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती थी। आज 3.5 करोड़ से ज्यादा घर दिए जा चुके हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में पक्के घर, जिससे कि जिंदगी में एक क्वालिटेटिव चेंज आया। 3.5 करोड़ का मतलब आप समझिए, 3.5 मतलब 5 लोग एक परिवार में अगर हम देखें एवरेज, तो दिस इज लाइक द पॉपुलेशन ऑफ जापान, कवरिंग द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ जापान। दैट काइंड ऑफ प्रोग्राम इज द हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसी तरह से सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है गरीबों के घर में, ग्रामीणों के घर में, हर घर में नल से जल। ये ऐसा प्रोग्राम है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, भागीरथी प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं, ऐसा प्रयास जिसके बारे में लोग अगर जब भी कभी बात करते थे कि यार ये ट्राई मत करो, ये सबसे मुश्किल काम है, मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है। लिया उन्होंने हाथ में अपना काम ये, और इस काम को जिस तरीके से अंजाम दिया, 12 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंच चुका है। एक घर में 5 की एवरेज अगर हम ले, 60 करोड़ का मतलब यूरोप की पॉपुलेशन है करीब 47 करोड़ 50 करोड़, पूरे के पूरे यूरोप को, उसके बराबर की जनसंख्या को हर घर नल से जल पहुंचाया जा चुका है 9 वर्षों में। ये होता है क्वालिटेटिव चेंज, ये होता है रियल चेंज। आप सब जानते हैं गांवों में, मैं तो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, आप में से कितने लोग गांव में पैदा हुए देखे जरा, याद जो लोग मेरी उम्र के होंगे 50 प्लस, वो लोग जानते होंगे कैसे धुएं में, किस किस किसने देखा है धुएं चूल्हा, अरे बाप रे काफी लोग हैं, देखा है ना कितना डिफिकल्ट होता था, धुआं जोर से ऐसे फूंकते रहो, आग जलेगी चूल्हे में, राइट, कितना मुश्किल होता था। सोचो वो संवेदना, वो एक भावना, वो एक एम्पैथी, वो एक इंक्लूसिवनेस, वो एक ऐसा डेवलपमेंट, ऐसी ग्रोथ, जिस ग्रोथ में एक माँ के आंखों में जो जलन होती थी, जो आंसू होते थे, उन आंसू को मोदी जी ने पहुंचा।
उज्ज्वला के माध्यम से और 9.5 करोड़ गैस सिलेंडर कनेक्शन अब तक दिए जा चुके हैं। साथियों, कोविड की जब मार आई सारी दुनिया में, मोदी जी ने प्रण लिया, संकल्प लिया कि कैसी भी परिस्थिति हो, मेरे देश में कभी कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मंथ आफ्टर मंथ पहुंचाया, आज भी पहुंचा रहे हैं। आज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पहुंचा रहे। सोचो उसकी कितनी कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स होगी, कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया, लेकिन ग्राउंड पे डिलीवरी है। 80 करोड़ का मतलब यूरोप से ऑलमोस्ट 1.5 गुने से ज्यादा। ये मैग्नीट्यूड है काम का, ये मैग्नीट्यूड है 9 वर्षों में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाने का। टॉयलेट्स का प्रोग्राम, आपने आज तक किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले पे जाके लाल किले के भाषण में कभी भी उन फंडामेंटल बेसिक पॉइंट्स जो कि इंक्लूसिव ग्रोथ का प्रमाण होती है कभी नहीं की थी। मोदी जी ने लाल किले से घोषणा की कि हर घर में शौचालय का निर्माण होगा, इज्जत घर का निर्माण होगा, और जो टॉयलेट्स बनाने का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, माओं की सेफ्टी बढ़ी, इज्जत बढ़ी, और जो असॉल्ट्स होते थे बहनों और बेटियों पे 50-60-70-80% कम हुए डिपेंडिंग अपॉन दी स्टेट। बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज आया लोगों की जिंदगी में। ग्रामीण इलाकों में अगर हम देखें, मात्र 39% हाउसेज में टॉयलेट्स होते थे, आज 100% हाउसेज में टॉयलेट्स है। ये फंडामेंटल चेंज है, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है। साथियों, एक साधारण परिवार में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है हेल्थ केयर की। मोदी जी ने उस जरूरत को समझा और वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ केयर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम बनाया, आयुष्मान भारत। अब उसका डिजिटल वर्जन भी लॉन्च हो चुका है। आयुष्मान भारत में 5 लाख से ज्यादा की मुफ्त इलाज की सुविधा, और कई जगह हमारे प्रतिपक्षी, कई जगह हमारी ऑपोजिशन इसको पचा नहीं पाई, तो उन्होंने या तो अपने इसी कार्यक्रम को दूसरे नाम से किया या फिर आयुष्मान लागू नहीं करना है। ये जमीन तक पहुंचने वाले प्रोग्राम का इम्पैक्ट जो लोगों ने फील किया, और जो डिजिटल, जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते थे, उन लोगों ने भी इसको माना कि सबसे बड़ी इंक्लूसिव ग्रोथ आयुष्मान भारत के द्वारा हुई है। हर एक स्टेप पे इंटरवेंशन इस तरह के जिससे कि लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आए। जन औषधि केंद्र से जेनेरिक दवाइयां जो कि सस्ते में मिल सके, एक ऐसे तरीके से सोचा जिससे कि लोगों को बड़े आराम से मुफ्त में इलाज मिल सके, आयुष्मान भारत। सैनिटरी पैड की बात, लोग शर्माते थे, घबराते थे कि कौन बात करे। मोदी जी ने लाल किले से ये निर्णय लिया और 1 रुपए में सैनिटरी पैड पहुंचाया महिलाओं तक। मैं साथियों बात करूंगा किसानों की। जब रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, दुनिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में चेंज आया, एकदम फर्टिलाइजर की कॉस्ट बढ़ गई थी, फर्टिलाइजर की कॉस्ट एकदम बढ़ गई थी। अगर कोई दूसरी सरकार होती, और कई देशों में ऐसा हुआ है, फर्टिलाइजर की कॉस्ट सीधा फार्मर्स पे पास ऑन हो जाती थी, किसानों के ऊपर बड़ा बोझ लद जाता था। मोदी जी ने वो सारा का सारा प्रेशर अपने ऊपर लिया, प्रेशर को नीचे नहीं जाने दिया, और किसानों के लिए सस्ती खाद अवेलेबल करवाते रहे। सारा का सारा एक्स्ट्रा कॉस्ट का बोझा मोदी जी ने भारत सरकार के बजट में लिया। इस तरह से एक एक स्टेप, चाहे MSP हो, चाहे PM किसान सम्मान हो, हर तरीके से देश में एक नई सोच लेके आए। सामाजिक न्याय की डेफिनेशन को चेंज किया, तुष्टीकरण की जो राजनीति चल रही थी 60 वर्षों तक, उसको बदल के सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट,
इंक्लूसिव ग्रोथ, उसके ऊपर फोकस किया। चाहे आप इसके कई एग्जांपल्स आप लें, हायर एजुकेशन में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए कोटा लाना, अदर बैकवर्ड क्लासेस के कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देना, हर तरीके से जो भी सोसाइटी के वीकर सेक्शंस थे उनके लिए एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स क्रिएट करना। साथियों, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे आता हूं। जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो काम पिछले 9 साल में हुआ है। सेक्टर आफ्टर सेक्टर अगर आप देखोगे ऐसा काम हुआ है जो कोई सोच नहीं सकता। आप मुझे बताओ, आप में से सब लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, कितने लोगों ने वंदे भारत के वीडियो देखे, कितने लोगों ने ट्रैवल किया है, देखे कितने लोगों ने ट्रैवल किया, कैसा आपका एक्सपीरियंस? हाँ, आप माइक प्लीज। गुड, बैड, एक्सीलेंट, गुड, फेयर, एक्सीलेंट, डबल थम्स अप। और किसी का एक्सपीरियंस कैसा आपका एक्सपीरियंस? एक्सीलेंट, गुड, एक्सीलेंट, इनका भी एक्सीलेंट। ऐसा एक्सपीरियंस, चलो इनके लिए जोर से ताली बजाओ यार। ऐसा एक्सपीरियंस क्या इस देश में, इतने टैलेंटेड देश में 2014 से पहले एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन नहीं बनाई जा सकती थी? बड़े आराम से बनाई जा सकती थी ना? बनाई जा सकती थी कि नहीं? लेकिन थॉट प्रोसेस नहीं था, माइंडसेट नहीं था। माइंड तो है इस देश में, माइंडसेट चेंज किया मोदी जी ने। हम भी बना सकते हैं एक से एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को स्वदेशी माध्यम से, अपने टैलेंट से, अपने इंजीनियर्स के ब्रेन से, वी कैन डेवलप समथिंग विच इज वर्ल्ड क्लास। 2014 से पहले ये सोच नहीं थी। आज साथियों, वैसे स्लाइड में 20 लिखा हुआ है, कल गोवा के लिए 21st वंदे भारत भी निकल चुकी है, तो 21 वंदे भारत बन चुकी है। ऑलमोस्ट एवरी 8 डेज एक गाड़ी फैक्ट्री से निकल रही है। एयरपोर्ट्स, 60 साल में जहां 74 एयरपोर्ट्स बने, 74 पिछले 9 साल में 74 एयरपोर्ट्स बने। दैट्स द लेवल, दैट्स द स्केल एट विच वर्क इज गोइंग ऑन। हाईवेज, वी ऑल नो वर्क के रिकॉर्ड्स बन रहे हैं हाईवे कंस्ट्रक्शन में। 60 साल में 90,000 और पिछले 9 साल में 50,000। दैट्स द चेंज विच इज हैपनिंग इन द कंट्री। वाटरवेज, कोई सोचता ही नहीं था इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं जिसमें बहुत ही लो कॉस्ट से बहुत ही लेस पोल्यूटिंग वे से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। 111 वाटरवेज बन चुके हैं देश में पिछले 9 साल में। जीरो था ये नंबर 2014 से पहले, कोई सोचता भी नहीं था कि ये भी तरीका हो सकता है, वो आके मोदी जी ने सोचा। मेट्रो मिडिल क्लासेस के लिए वन ऑफ द बेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द सिटी। सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो का नेटवर्क था, 15 शहरों में आज, और वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क्स इन द एंटायर वर्ल्ड इज इन टुडे इन इंडिया, और रैपिडली ग्रोइंग। ये 15 का आंकड़ा आप अगले साल देखोगे, 20 मिलेगा। चाहे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दोनों में मैसिव चेंज। अटल जी 6 एम्स सेंक्शन करके गए थे, उसके बाद में फिर शांति, कोई उसके बाद में एम्स नहीं है। फिर मोदी जी आए और मोदी जी ने 9 साल में 15 नए एम्स बनाए। मेडिकल कॉलेज, मैंने कहा ना आपको कि जो 60 साल में काम नहीं हुआ वो पिछले 9 साल में हुआ है। 2014 तक मात्र 641 मेडिकल कॉलेज थे, 700 मेडिकल कॉलेजेस पिछले 9 साल में बने। मेडिकल सीट्स जितनी बनी आजादी के बाद में, उससे ज्यादा, उसके बराबर तकरीबन बनी 9 साल में। दैट इज द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। IITs, IIMs, यूनिवर्सिटीज, हर क्षेत्र में इनोवेशन, हर क्षेत्र में नई तरीके से काम करना, हर फील्ड में एक अलग पेस देना। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स,
कोसी का रेल का ब्रिज हो, कोई उस एरिया से आता है मिथिलांचल से, कितना डिफिकल्ट होता था ट्रेवल करना नदी के आर पार, मतलब 25-30 सालों से पड़ा हुआ पेंडिंग प्रोजेक्ट मोदी जी ने आके खत्म किया। चाहे बोगीबिल ब्रिज, आसाम से कोई आए यहां पे, आसाम से, कितना डिफिकल्ट राइट, कितने वर्षों से पेंडिंग था, मोदी जी ने आके कंप्लीट किया। एक एक प्रोजेक्ट हर महीने प्रगति की मीटिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं और प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। रेलवे स्टेशंस, गरीबों की सवारी है रेलवे, मिडिल क्लासेस की सवारी है रेलवे, क्यों ना रेलवे में भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिले। एयरपोर्ट बेसिक फैसिलिटीज जैसे रेलवे स्टेशंस बनाना, और ये सबसे ज्यादा मैटर ऑफ प्राइड है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल अगर आप इसमें एफिल टावर को रखोगे, एफिल टावर मेरे ख्याल से इससे करीब 100 फुट नीचे है, एफिल टावर भी 100 फुट ऊंचा, मैसिव। और ये भी डिजाइन किसने किया, अपने ही इंजीनियर्स ने। ये होती है बात, ये काम करने का तरीका, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। साथियों ये केवल स्टैच्यू नहीं है, जिस व्यक्ति ने, जिस नेता ने, जिस महानुभाव ने देश को जोड़ा, उसको कांग्रेस ने अपने विचार में, अपने सोच में उसको निग्लेक्ट किया, इग्नोर किया और हर क्षेत्र से इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की। ऐसे सरदार पटेल की भव्य मूर्ति दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति बनाई भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, क्योंकि देश को जोड़ने की बात है जब, तब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जब देश को जोड़ने की राजनीति है तब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, तब दुनिया में सबसे भव्य मूर्ति उस व्यक्ति की बननी चाहिए जिसने भारत को जोड़ा। ये साथियों विचार है, ये थॉट प्रोसेस है, उस पे आगे चले। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो, दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पे जो टनल बनी है वो भी मोदी जी ने बनाई, एक पूरा थॉट प्रोसेस चेंज किया। साइंस के स्टूडेंट्स यहां पे कितने हैं, GIS समझते हो, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स राइट। अगर प्लानिंग करनी हो, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, मान लो जो प्लानर है, आप यंग ऑफिसर्स हो, यू विल बी गेटिंग इनटू दोज रोल्स, बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स भी हैं यहाँ पर, बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स हैं, प्लानिंग जब करनी है तो उसकी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, शुडंट देयर बी एन इंटीग्रेटेड प्लानिंग, इंटीग्रेटेड प्लानिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या ऐसा होना चाहिए कि एक बार कुछ बना लिया उसके बाद में कोई और आता है उसको उसको रोड को काटता है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मोदी जी ने पीएम गति शक्ति का फ्रेमवर्क बनाया। अगर आप केवल रोड्स देखना चाहते हो, रोड का लेयर क्लिक कर दो, रोड दिखेगी आपको, रोड के साथ आप रेलवे देखना चाहते हो, दोनों को कनेक्ट कर लो, दोनों आपको एक साथ दिखेंगे, उसमें फॉरेस्ट देखना चाहते हो, तीनों एक साथ दिखेंगे। 1600 लेयर्स एक साथ एक सिस्टम में आपके पास अवेलेबल है और प्लानिंग उससे जिस तरह से हो रही है। रेलवे के प्रोजेक्ट्स में मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपके सामने पूरा का पूरा मैप दिख जाता है, पूरा डिटेलिंग आ जाती है, आप उसको डाइवर्ट करके लेके चले जाओ। दैट्स द थॉट प्रोसेस, दैट्स द चेंज इन माइंडसेट व्हिच मोदी जी हैज ब्रॉट इन द 9 ईयर। और सबसे ज्यादा जो एक फंडामेंटल चेंज आया है वो है डिजिटल क्रांति। साथियों मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया। टेक्नोलॉजी पहले कुछ अमीर लोगों के हाथ में होती थी, कुछ अपर मिडिल क्लास के हाथ में होती थी, आज ऐसी परिस्थितियां हैं कि टेक्नोलॉजी गरीब से गरीब आदमी को एम्पावर कर रही है, उनकी लाइफ को बेटर कर रही है, उनको नई अपॉर्चुनिटीज दे रही है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा पेमेंट सिस्टम का, दुनिया के रिचेस्ट ऑफ द रिच वर्ल्ड कंट्रीज आर टुडे अडॉप्टिंग द UPI पेमेंट सिस्टम। आपने हाल ही में सुना था जापान ने फॉर्मली एक्सेप्ट किया, अनाउंस किया कि दे विल बी इवैल्यूएटिंग द इंडियाज UPI सिस्टम। और वो गरीब की जिंदगी में कैसा परिवर्तन आया, यहाँ पे राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान में जब शादियां होती है तो दूल्हे दुल्हन के सिर पे ऐसे उवारते हैं पैसा और उसके बाद में ढोल और उसमें देते हैं राइट, ढोल नगाड़े को देते हैं। आज आप जाओ कई जगह आपको दिखेगा मोबाइल फोन निकालते हैं, मोबाइल फोन को ऐसे ऐसे उबारते हैं और उसके बाद में नगाड़े के ऊपर जो स्कैन किया होता है उसमें स्कैन करके देते हैं। ये चेंज है,
ये एक फंडामेंटल चेंज है जो कि ग्रास रूट्स तक चेंज आए, ऐसा चेंज कभी कोई सोचता नहीं था। साथियों, मैं इकोनॉमी पे, आप देखो 2004 में हिंदुस्तान का दुनिया की इकोनॉमिक लीग में नंबर जब देखते थे 11th, 10th इस तरह का नंबर आता था। श्रद्धेय अटल जी वहां पे छोड़ के गए थे 2004 में। 10 साल, कई बार लोग बोलते हैं पीएचडी, लेकिन 10 साल के बाद में 2014 तक वही 10वीं रैंक पे पड़े रहे। एक स्ट्रांग इकोनॉमी कन्वर्ट हुई फ्रेजाइल 5 में। मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी संभाली और जिस माइन्यूटली, जिस प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में इकोनॉमी को मैनेज किया, आज जो हमारे ऊपर राज करते थे उनसे आगे निकल के हिंदुस्तान 10वें से 5वें स्थान पे पहुंचा है। और 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के अंदर अंदर इंडिया विल बी दी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। 6 साल के अंदर अंदर इंडिया विल बी दी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। ये पेस, ये प्रोग्रेस, ये ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब नीयत अच्छी हो, नीति अच्छी हो, काम करने का जज्बा हो, कॉन्फिडेंस हो। अभी हाल ही में टिम कुक इंडिया आए थे, मैंने उन्हें पूछा कि आपने क्या चेंज देखा इंडिया में। उन्होंने कहा जो कॉन्फिडेंस है आज इंडिया में, जो कैन डू एटीट्यूड है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चैलेंज को हम ले सकते हैं और कर सकते हैं। ये नौजवान साथी बैठे हैं सब, आपका फ्यूचर बन रहा है आज के हिंदुस्तान में। आपके लिए भविष्य ऐसा निर्माण हो रहा है कि आप 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री में रहोगे। जब आप डिसीजंस लोगे तब हिंदुस्तान वन ऑफ द टॉप मोस्ट इकोनॉमीज में से एक होगा। सबकी लाइफ में चेंज आ चुका होगा, आपकी जिंदगी में एक ऐसा परिवर्तन आ चुका होगा जो कि फंडामेंटल चेंज है। साथियों, लेकिन अपने रूट्स को नहीं भूलना है, हमें अपने कल्चर और अपनी विरासत को भी नहीं भूलना है। मोदी जी ने हमेशा ये कहा, विरासत भी विकास भी। हमारे कल्चर के जितने सिंबल्स हैं, हमारे कल्चर के जितने बड़े सेंटर्स हैं, उन सबको रेनोवेट किया, रिजुविनेट किया, रीबिल्ड किया। साथ ही साथ जो हमारी फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी में पूरे दुनिया को एक परिवार माना गया है। साथियों, G20 में जब मोदी जी ने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का लोगो दिया, सारी दुनिया हिंदुस्तान की संस्कृति को एक नई नजर से देखने लगी। ये सोच होती है जिसमें हमारे कल्चर, हमारी हेरिटेज, हमारी थॉट प्रोसेस को दुनिया के सामने एक अलग तरीके से रखा। यहाँ नॉर्थ ईस्ट से कितने साथी आए, नॉर्थ ईस्ट से आए? आप मुझे बताओ 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट में पहुंचना कितना मुश्किल होता था, अब कितना डिफिकल्ट होता था, राइट? अब ऐसी परिस्थितियां हैं, पिछले 9 साल में अकेले रेलवे का 1618 किलोमीटर का नेटवर्क बना है और उसमें से 122 किलोमीटर की टनल्स है। इतनी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी, उसमें भी इतना मैसिव वर्क। करीब करीब हर कैपिटल में एयरपोर्ट्स बन चुके हैं नॉर्थ ईस्ट के। साथियों, साथ ही साथ एनवायरनमेंट का भी फोकस, सारी दुनिया को चिंता होती थी, लेकिन मैं चलो आपके सामने एक क्विज रखता हूं। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी की पावर जनरेशन की कैपेसिटी कितनी है, अंदाज लगाया देखें। हाँ, अभी अभी जीएस का एग्जाम देके आए हो, गेस करो एज परसेंटेज। 30, 35, 33, कोई गूगल कर रहा है सब 45 या चैट जीपीटी 42%। 42%, बहुत सारी रिच कंट्रीज भी रिन्यूएबल पावर जनरेशन कैपेसिटी 25% से ज्यादा नहीं सोच पाती है। ऐसा थॉट प्रोसेस मोदी जी ने चेंज किया जिसमें सोलर पावर, सोलर मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग से लेके, सोलर पावर प्लांट्स के इंस्टॉलेशन से लेके,
स्मार्ट ग्रिड तक का और लाइफस्टाइल में चेंज का, पूरी फिलॉसफी चेंज की। साथियों, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कल्चरल डेवलपमेंट के साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि होती है। किसी भी दुश्मन की आंखें हिंदुस्तान पे बुरी नजर से देख ना पाए। आप याद करो, 10 साल पहले 15 साल पहले ये सिचुएशन होती थी, कोई आके मुंबई में आके ऐसे अटैक कर जाए, दिल्ली के किसी भी कोने में बॉम्ब रख के चला जाए, कश्मीर में लाखों लाखों हत्याएं करते जाए। सारा चेंज हुआ। अगर कोई आंख उठा के देखने की हिम्मत करता है, उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है। हिम्मत करके कोई दिखा दे, सीमा पार से आए, कोई बात नहीं, हम जाके सीमा में जाके वापस ठुक के आएंगे। ये सोच है, ये एक नई सोच है, और ये जज्बा है, और वो ताकत है, वो हिम्मत है, उस तरह की डिसाइसिव लीडरशिप की। वो डिसाइसिव लीडरशिप आज देश में है। कभी सोचते नहीं थे कि हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होगी डिफेंस प्रोडक्शन। आज 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, सेक्टर आफ्टर सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग। सोचो धारा 370 के बारे में भाई अनुराग जी बता रहे थे। बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि इसके बारे में कभी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मन में जब दृढ़ विश्वास हो, बड़े से बड़ी चीज की जा सकती। साथियों, अभी कुछ दिनों पहले मैं शेखुपुरा गया था, बारामुल्ला गया था। शेखुपुरा में गांव के लोग बता रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं था कि केंद्र सरकार से इतनी सारी चीजें आती है, सब कहीं ना कहीं बीच में कोई 2-3 परिवार 4 परिवार ले जाते थे। आज गांव तक चीजें पहुंच रही है। और जब छोटे बच्चों को सामने मंच पे लाके मैंने गांव के लोगों को पूछा शेखुपुरा में कि क्या जो आपकी लाइफ थी वही बच्चों का भविष्य होना चाहिए था, नहीं, एकदम स्पष्ट सबने बोला इनका भविष्य हमारी जिंदगी से बेटर होना चाहिए। और वो चेंज मोदी जी लेके आए, धारा 370 उठा के, धारा 370 को कॉन्स्टिट्यूशन से उखाड़ फेंक के एक ऐसा फंडामेंटल चेंज लेके आए जो कि देश की इंटीग्रिटी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कदम उन्होंने उठाया। साथियों, देश में, देश का दुनिया भर में जो नाम हुआ उसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। यूक्रेन और रूस के बीच में वॉर चल रहा है, दोनों तरफ से तोपें चल रही है, बॉम्बिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, पता नहीं कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। हमारे भारत के विद्यार्थी वहां पे बैठे हैं, इंडिया के स्टूडेंट्स वहां पे हैं, उनको निकालना है। दुनिया में कैसे एक नेता की मॉरल अथॉरिटी बनती है? मोदी जी फोन करते हैं पुतिन साहब को, मोदी जी फोन करते हैं ज़ेलेंस्की साहब को, कुछ समय के लिए पूरा का पूरा युद्ध रोक लिया जाता है कि वहां से हिंदुस्तान के बच्चों को उठा के लेके आए। कभी किसी ने सोचा था ऐसा? कोई किसी देश का राष्ट्रपति हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी कह देता था? अब किसी की हिम्मत नहीं ऐसी। अब हिंदुस्तान को दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट की तरह देखा जा रहा है, दुनिया की लीडरशिप में समकक्ष लिया जा रहा है, और दुनिया को हिंदुस्तान पे विश्वास है, हिंदुस्तान को विश्वास है मोदी जी। ये विश्वास साथियों, ये विश्वास आपके कारण है, ये विश्वास 130 करोड़ देशवासियों के कारण है। जो स्टेबिलिटी आपने दी, एक आपके एक एक वोट ने दी, जिस स्टेबिलिटी से आपने एक मजबूत सरकार बनाई, जिस थॉट प्रोसेस के साथ आपने एक डिसाइसिव लीडरशिप को चुना, ये सारा का सारा मैं मोदी जी की सरकार के बिहाफ पे आप सबको 130 करोड़ 140 करोड़ देशवासियों को आभार प्रकट करता हूं। और इसी तरह की डिसाइसिव लीडरशिप चुने जिससे कि 2047 तक भारत एक डेवलप्ड कंट्री की तरह उभर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे देश तुझे नमन, मेरे देश तुझे नमन।
इस साल मुझे हर बार तेरे आगे झुकने का मन हुआ, जब झुका मैं तेरे आगे तेरा होने का मुझे गर्व हुआ। दुनिया को राह दिखाता तू, तू ही तो मेरा प्यारा है, इसीलिए तेरे आगे बार बार दिल हारा है। झुका तिरंगे के आगे मैं झुका माँ के चरणों में, मैं झुका नेताजी के आगे मैं झुका पिता के कदमों में। समझ लीजिए ये कागज ही है लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा बड़ी है। भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आप थे, मोदी जी हमें बचा देंगे, जो भी कर सकते हैं मोदी जी कर लेंगे। ढाई सौ साल तक जो हम पर राज करके गए उनको पीछे छोड़ कर गए, दुनिया की इकोनॉमी में आगे निकल। छोटे बड़ों का भेद नहीं, ये बाईस का भारत है, अमृत काल के द्वार खड़ी देश की नई भारत है। जब अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। Thank you very much, Honorable Minister. That was the story of India rising, India shining, India surging ahead in the last 9 years. और अब कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के अंत में हम आमंत्रित करना चाहते हैं प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गौरव द्विवेदी जी को कि कृपया वो आएं और धन्यवाद प्रस्ताव प्रेषित करें। गौरव द्विवेदी जी। माननीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय सूचना एवं प्रसारण और खेल एवं युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, माननीय सूचना एवं प्रसारण सह पशुपालन व डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी, साथियों, यह हम सभी के लिए एक बेहद खास मौका है जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊर्जावान नेतृत्व और दूरदर्शी मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे किए हैं। इस सुअवसर पर कई कार्यक्रमों का शुभारंभ हो रहा है। आज पूरे दिन चलने वाला यह कार्यक्रम बीते 9 साल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की दिशा में देश की अभूतपूर्व उपलब्धि के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को भव्य एवं सफल बनाने के लिए अथक परिश्रम करने वाले और कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। मैं विशेष तौर पर रेलवे संचार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी की गरिमामय उपस्थिति पर आभारी हूँ। इन 9 सालों के दौरान सरकार की उपलब्धियों पर आपके विचारों ने कार्यक्रम की दिशा निर्धारित की है, उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। माननीय सूचना एवं प्रसारण एवं खेल एवं युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, आपकी उपस्थिति और आपका मार्गदर्शन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। माननीय सूचना एवं प्रसारण पशुपालन व डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी, आपने अपना मूल्यवान समय इस कार्यक्रम के लिए दिया, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। स्वागत उद्बोधन प्रेषित किए जाने के लिए मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं सभी उपस्थित सामान्य अतिथियों का भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को आभापूर्ण बनाया है।
आगे आने वाले सेशंस में हम आपके विचारों और अनुभवों को जानेंगे। मीडिया के साथियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं और मैं प्रसार भारती परिवार को इस शानदार और गरिमामय आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सीईओ सर इस धन्यवाद प्रस्ताव के लिए। तो निश्चित तौर से आज के इस नेशनल सेमिनार इस कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र का भी यहाँ पे समापन होता है। तमाम मेहमान हमारे बीच पहुंचे, बहुत बहुत सबका आभार और शुक्रिया। विज्ञान भवन से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे मोदी सरकार के।